उनके सामने एक वृद्ध पुरुष बैठे थे। बात चली तो वृद्ध पुरुष ने पूछा, नवयुवक क्या काम करते हो? विश्वनाथ आनंद ने कहा, मैं शतरंज खेलता हूँ। उन्होंने अपनी बात समझानी शुरू की, क्या रखा खेल में? अच्छे एग्जाम दो, आईएएस की परीक्षा पास करो, कहीं डीएम बनो। वो कहते रहे और विश्वनाथ आनंद गर्दन हिलाकर उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते रहे। जब उन बुजुर्गों का स्टेशन आया और वो उतरने लगे तो विश्वनाथ आनंद खुद खड़े हुए, उनका बैग लिया, बैग को नीचे तक लेकर गए, प्लेटफॉर्म पर उनको छोड़कर आए, उनको नमस्कार करके आए। जब अपनी सीट पर बैठे तो एक सज्जन ने कहा, आप इतने बड़े खिलाड़ी, विश्व में आपका नाम है, फिर आपने क्यों नहीं कहा कि मैं विश्वनाथ आनंद हूँ? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह देता कि मैं ही शतरंज का विश्व विख्यात खिलाड़ी हूँ तो इतने बुजुर्ग को मेरे कारण शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। कभी भी अपने से बड़ों को ऐसे शब्द ना बोले जाएं या उनके सामने ऐसा कृत्य ना किया जाए जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। थैंक यू सो मच।